नमस्कार, मैं हूँ संगीता वसुया। इंडिया होम कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गेहूं के आटे और आलू की बहुत ही क्रिस्पी और सुपर टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। टेस्टफुल नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 चम्मच जितना तेल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही गरम तेल में 1/2 चम्मच जितना जीरा डालेंगे। 1 इंच कद्दूकस किया अदरक का पेस्ट डालेंगे। अदरक को तेल में हल्का सा चलाते हुए भून लेते हैं। अब इसमें बारीक चॉप किए हुए 2 प्याज डालेंगे। प्याज को चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें 2 से 3 बारीक चॉप की हरी मिर्ची डालेंगे। मिर्ची को चलाते हुए प्याज में अच्छी तरह से मिला के भून लेते हैं। प्याज हमारे हल्की सी भुन गई है। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच जितना नमक डालेंगे, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और साथ में डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसे ढक के 2 मिनट अच्छी तरह से पका लेते हैं। यहाँ पे मैंने उबले हुए 6 आलू लिए हैं, आलू के छिलके निकाल लिए हैं। अब हम आलू को इस तरह से हाथों से मैच कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मैचर से मैच कर सकते हो, यहाँ पे मैं हाथों से मैच कर रही हूँ। सारे आलू को मैंने अच्छी तरह से मैच करके तैयार कर लिया है। अब हम मसाला चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मसाला हमारा पककर अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बार चला लेते हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला डालेंगे। आलू के मसाले को थोड़ा सा चटपटा और टेस्टफुल बनाने के लिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से मसाले में थोड़ा सा खट्टापन और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। गरम मसाला और आमचूर पाउडर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें डालेंगे मैच किए हुए आलू। आलू को मीडियम आंच पे चलाते हुए अब मसालों में आलू को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये देखिए, आलू का स्टफिंग हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे फ्रेश बारीक काटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया आलू के स्टफिंग में अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, आलू का स्टफिंग हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैं 3 कप जितना गेहूं का आटा ले रही हूँ। गेहूं का आटा आप अपने जरूरत के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जितनी अजवाइन ली है। अजवाइन को इस तरह से हाथों में लेके क्रश करके डालने से अजवाइन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। स्वाद के हिसाब से 1 चम्मच जितना नमक डालेंगे। अब इसमें मोइन लगाने के लिए 1 चम्मच जितना तेल डालेंगे। अब हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मिलाते हुए आटे में मोइन लगाएंगे। ये देखिए, आटे में मोइन अच्छी तरह से लग गया है। अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। आटा लगाने के बाद थोड़ा सा तेल डाल के हम आटे को फिर से अच्छी तरह से मसल लेते हैं। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही आटा हमें लगाना है। ये देखिए, आटा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट सेट होने देते हैं। आटा हमारा सेट होता तब तक हम 1 चम्मच मैदे की स्लरी बना लेते हैं। मैदे में इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से घोट के इसका पेस्ट बना लेते हैं। अच्छी तरह से घोटने के बाद ये देखिए, मैदे की स्लरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। 10 मिनट बाद ये देखिए, आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। आटे को हम फिर से एक बार अच्छी तरह से मसल लेते हैं। अब हम आटे में से इस तरह से मीडियम साइज की छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं।
एक लोई को लेके इस तरह से चकले के ऊपर रख के हम इसे बेलन से इस तरह से बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही पतली से बेल लेना है। हम इसे बेलते समय एकदम पतला बेलेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे पतला बेलना है। बेली हुई रोटी को हम इस तरह से चाकू की मदद से साइड के किनारे काट के इसे चौरस शेप देते थे। ये देखिए रोटी को हमने चारों ओर से काट के इसे चौरस बना लिया है। अब हम आलू का स्टफिंग लेके इस तरह से हाथों में लेके दबाते हुए रोटी के ऊपर इसके आगे की साइड में रखेंगे। आलू का स्टफिंग रखने के बाद अब हम चारों ओर से मैदे की स्लरी लगा लेते हैं। स्लरी लगाने के बाद अब हम इसे एक साइड से उठाते हुए इसे इस तरह से फोड़ करके चिपका देते हैं। और चारों ओर से किनारे को इस तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से सील कर देते हैं ताकि फ्राई करते समय ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से इसे हाथों में उठा के किनारे को चारों ओर दबाते हुए अच्छी तरह से पैक कर लेते हैं। अच्छी तरह से पैक करने के बाद अब हम इसे फोक की मदद से इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे हमने पॉकेट की तरह बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से हम सारे लोहे को बेल के आलू का स्टफिंग भर के पॉकेट बना के तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसे फ्राई करने के लिए तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। तेल ज़्यादा गर्म होने से ये जल्दी से लाल हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं और इसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं, इसलिए हम इसे फ्राई करते समय मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। इसे हम पलटते हुए मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म नाश्ते को अब हम सर्व करेंगे खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टफुल हमारा नाश्ता बना है। इस नाश्ते को आप गर्मा गर्म सर्व करें, गर्मा गर्म खाने में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इंडिया होम कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।